सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुर सतगुर का जो सिखिय खाए सो फल के उठ हर नाम त्यावे। उत्तम करे पल के प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल बिख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहदियां उठदियां हर नाम त्यावे। जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे। परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जीओ। जाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुगुरु प्यारिओ अज आप साखी भाई आदम जी की सरवण करन जा रहे हैं। एक मालवे देश का सिद्धू जट भाई आदम पिंड बिंजू जिला फिरोजपुर का रहन वाला बहुत चिर पीरां फकीरां की सेवा करता रहा। पर उसकी मुराद उसके घर पुत्र होने की कितों पूरी ना। एक दिन उसनू एक गुरु का सिख मिला। आदम ने उसकी प्रसाद पाणी की सेवा करके बेनती की, भाई जी मेरे घर संतान नहीं, आप गुरु जी अगे अरदास करो कि मेरे घर संतान हो। गुरु के सिख ने अरदास करके आदम को दसिया कि तू श्री अमृतसर गुरु का चक जा, उत्थे गुरु नानक जी की गद्दी उत्ते इस समय श्री गुरु रामदास जी विराजमान हैं, वो तेरी मुराद पूरी करने को समर्थ है, उन्हां पासों तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। सिख दे बचना ते भरोसा करके भाई आदम अपनी स्त्री नू नाल लेके गुरु के चक आए। सेवा तो मेवा मुख रख के भाई आदम हर रोज जंगल विचों दो पंडा लकड़ा लिया के एक पंड गुरु के लंगर विच दे देंदा ते दूजी अपने घर जमा। रोटी कपड़े का गुजारा अपनी होर मेहनत मजदूरी करके करता। इस तरह कुछ समा लग गया। एक दिन सियाल की रुत विच मीह अते ठंडी हवा के कारण संगतां नूं सर्दी नाल बहुत दुखी वेख के भाई आदम ने सब दे घर लोड़ अनुसार अपने घर रखिया हुई लकड़ां वंड दित्तियां। भाई आदम की इस प्रेम भगती अते वंड वरतन की कार उत्ते संगतां बहुत प्रसन्न हुईयां। संगतां की प्रसन्नता ही गुरु की प्रसन्नता होती है। इस वास्ते गुरु जी नूं जद पता लगा कि यह परोपकार एक निर्माण सिख ने किया है तो आप जी ने भाई आदम नूं सद के आख्या, भाई सिखा गुरु नानक जी दीआं संगतां नी तेरे उत्ते खुशी हुई है, तू अपने मन दा मनोरथ दस जो तेरा पूरा कीता जाए। पर भाई आदम ने अपना मनोरथ दसण तों कुछ संकोच करके कहा, महाराज मैनू अपना दर्शन बख्शो। जब तीन वार गुरु जी ने वर मंगण वास्ते कहा अते भाई आदम ने तीन वार ही दर्शन बख्शो ही मंगया
ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਕੁੰਚਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੀ। ਆਦਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਮਤ 1709 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।